बस यहाँ पे अभी बन रही है पाव भाजी, तो वही आपने देखा, बस अभी भाजी बन रही है, उसके बाद फटाफट से सेकूंगी पाव। और अभी बच्चों के 8 तो, और चाय वगैरह सबने अभी ले ही ली है। और गाइस बस लास्ट का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और हमारे तीज की तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई हैं, आपने देखा मूर्तियां भी मैंने बना ली, बस उनको आज कलर भी करना। अभी पाव भाजी वगैरह जब डिनर हो जाएगा, आज डिनर में हम लोगों की पाव भाजी है, तो पाव भाजी हम लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर जो है मैं कलर करूँगी। और ये देखिए निष्ठी भी आ गई, फिर हम करेंगे कलर, करेंगे फिलहाल जो कलर घर पे रखे हैं मैं उसी से कलर करूँगी। देखती हूँ निष्ठी के कलर रखे हुए हैं पानी वाले, उसी से कर दूँगी। कलरिंग जिसे तो निष्ठी ने वो तो ख़राब कर दी, अभी फिलहाल जो है उसी को कर दूँगी मैं कलर, ये थोड़ा सा कलर करने से अच्छा लगने लगता है इसीलिए उसी को कलर करूँगी। और तो यहाँ पर देखिए भाजी का मसाला हमारा रेडी हो गया है, बस इसमें आलू और बैंगन जो हमने बॉईल करके रखे थे अच्छे से मैश करके उन्हें मैं ऐड कर दूंगी, तो हमारी भाजी भी तैयार हो जाएगी। सारा मसाला मैंने इसमें ऐड ही कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारी पाव भाजी की, और ये सिर्फ भाजी मसाला जो हमारा होता है पाव भाजी मसाला, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बिना टेस्ट नहीं आता है। सांभर मसाले में सांभर का मसाला जब तक ऐड नहीं करो तो टेस्ट नहीं आता है, वैसे ही भाजी में जब तक भाजी मसाला टेस्ट ऐड नहीं करो तब तक अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो ये ऐड करना मस्ट है। तो बस इसको ऐड करेंगे तो हमारी भाजी रेडी हो जाएगी, थोड़ा सा बॉयल कर होने देंगे इसे। यहाँ देखिए पाव के लिए भाजी रेडी हो गई है और पाव को सेकने की तैयारी करेंगे हम, उसके लिए चढ़ा दिया है मैंने तवा, तो इस तवे पे बस हम फटाफट से सेकेंगे पाव। पहले हम पाव को कट करके रख लेते हैं सारे, क्योंकि कुछ लोग ना पाव को ऐसे ही सेक देते हैं, डायरेक्ट कट नहीं करते, बट कट करना मस्ट है, क्योंकि कट करने से क्या होता है पाव हमारा अंदर से सिकता है और ऊपर से तो पाव दोनों साइड से सिका हुआ होता है बट अंदर से नहीं होता है, इसलिए अंदर से सेकना मस्ट है। तो यहाँ पे पाव आप चाहे बटर से सेकिए या फिर इसे प्योर देसी घी से भी आप सेक सकते हैं, क्योंकि देसी घी से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैं तो यहाँ पे देसी घी से ही अभी सेकूँगी, एक्चुअली बटर अभी हमारा फिनिश हो गया और मैं बटर लाना ही भूल गई थी, तो इस समय अल्टरनेट ऑप्शन है देसी घी बटर का। चलो पाव भाजी किसको खानी है, जल्दी आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे गुजिया बन रही है, ये है पूर गुजिया का फिलिंग है जो तैयार हो चुका है, और ये लग गया है आटा, तो बस ये लगाया मम्मी ने और पूर भी मम्मी ने ही तैयार किया है। अब बस मैं बेलूंगी और मम्मी फिलिंग करेंगी, फिर हम फ्राई करेंगे इसको, तो बस गुजिया हमारी बनेगी। और ये तैयारी किस लिए हो रही है, क्योंकि कल है तीज, आज है बुधवार और कल बृहस्पति है, कल है तीज, तो तीज में हमारे वहाँ गुजिया बनती हैं, तो उसी की तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए बनना भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी, हम बनाते हैं सांचे से, ये देखिए देखिए बहुत ही यम्मी। होली में हमेशा गुजिया बनती है बट हमारे यहाँ तीज में भी बनती है, तो साल में 2 बार हमारे यहाँ गुजिया बन जाती है। वैसे मोस्टली सबके यहाँ होली में ही बनती है बट हमारे यहाँ 2 बार गुजिया बन जाती है साल में, और गुजिया खाने में तो यम्मी लगती है। किस किस को गुजिया अच्छी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, किस किस को गुजिया पसंद है कमेंट बॉक्स में, मोबाइल छुआ तक तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आपने देखा यहाँ पे गुजिया की तैयारियाँ हो रही हैं, तो बस अब हम फिलिंग में सब कुछ तैयार हो गया, बस अब बेलना बाकी है, तो हम तैयार कर रहे हैं, अब हम बेलेंगे। और यहाँ पे काव्य और निष्ठी को देखिए बदमाशी चल रही है, काव्य कैसे चढ़ा हुआ स्लीपर पहन के बेड पर चढ़ गया है, अभी क्या करता जितना भी ऊंचा बैठा फिर भी चढ़ जाता है, आराम से उतर जाता है, सब जैसे चलती रहती बदमाशियाँ। तो बस अब हम चल रहे हैं, बनाएंगे फटाफट से गुजिया, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 4 बज चुके हैं शाम के, इसको फ्राई करने में भी टाइम लगता है। तो वो तो रहा नहीं अभी, उसको कोशिश करी उन्हें सुलाने की लेकिन सो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, खेलना तो उसको, तो हम बनाते हैं गुजिया और बनेंगे गुजिया अब। यहाँ पे देखिए काव्यू की मस्ती चल रही है, और ये हो गया शाम का टाइम,
अभी बजे 4, हम लोग गुजिया गुजिया हम लोग बनाने जा रहे हैं बस में। अभी आपने देखा सब तैयारियां हो गई हैं, तो बस हम बेलेंगे और मम्मी फटाफट फिलिंग करेंगे, फिर उसका फ्राई करेंगे। जब फिल हो जाएगी तो सबसे पहले बनाते हैं गुजिया, बाद में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए देखिए आप हमारी गुजिया। तो ये देखिए यहाँ पे गुजिया फ्राई होने लगी है हमें, और ये देखिए इतनी गुजिया बन गई हैं और अभी रखी हुई हैं, अभी और भी रखी हुई हैं। तो बस धीरे धीरे, क्योंकि गुजिया में टाइम लगता है फ्राई होने में। तो बस चाय भी चढ़ा ली है मैंने, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया और गुजिया भी साथ में फ्राई होती जा रही है। अभी काव्यांश भी सो गया थोड़ा सा है, तो बस अभी उसके बाद मैं करूँगी मूर्तियों में कलर। गुजिया पहले बना लूँ पूरी, क्योंकि काव्यांश सो रहा है, फिर कलर करूँगी, क्योंकि मूर्तियाँ बहुत अच्छे से सूख चुकी, कलर मैं करी नहीं पाई। मैंने परसों बनाई थी मूर्तियाँ लेकिन कलर नहीं हो पाया है। तो बस अभी मैं नीचे देख रही हूँ, एक्चुअली मैं आपके साथ बात करते करते ना साथ में गुजिया भी फ्राई करती जा रही हूँ। तो बस गाइस यही चलता रहता है डेली। कल की तैयारियाँ भी हम लोग की, कल की भी तैयारियाँ अभी मतलब थोड़ी बहुत, आज मेहंदी भी लगानी है, कल है 30, तो आज मेहंदी भी लगानी रात में है, वो भी है, और भगवान जी के कपड़े भी बनाने हैं। जो मूर्तियाँ मैंने बनाई हैं उनके कपड़े भी बनेंगे, वस्त्र बनेंगे उनके, तो वो भी बनाने हैं। अभी बहुत सारी तैयारियाँ बाकी हैं, धीरे धीरे होती रहेंगी, जैसे जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ, जो जो होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हमने मठरी भी बनी थी, मठरी पहले बना ली थी, वो शूट नहीं किया था मैंने, और गुजिया आज बना रही हूँ, मठरी मैंने कल बना ली थी, क्योंकि एक साथ सारा नहीं बन पाता इसीलिए। गोलगप्पे बन गए हमारे हैं, और यहाँ पे देखिए गोलगप्पे का पानी भी बन गया है। यहाँ पे देखिए मैंने पानी भी बना के रख दिया गोलगप्पे के लिए पहले से ही, और गोलगप्पे तैयार कर लिए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा इमली जो होती है लाल वाली, उसे भिगो दिया है। इसमें इमली का रस मैं डालूंगी पानी में, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पानी पूरी मसाला जो आता है वो डाल के मैंने मसाला बना तैयार किया पानी का। और यहाँ पे देखिए बेसन भी मेरा घोल के रख लिया मैंने, क्योंकि आज बनेंगी पकौड़ियाँ। आज है मतलब आज रोटी सब्जी नहीं खानी है किसी को, क्योंकि कल तीज है, इसलिए आज पकौड़ियाँ पानी पूरी ये सब हम लोग खाएंगे। और तो उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ फटाफट से, और फिर बनाएंगे पकौड़ियाँ। और ये देखिए मैंने आलू मैश कर लिया है, क्योंकि जो गोलगप्पे हैं उसकी फिलिंग के लिए आलू और प्याज को मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पे मैं इमली को भिगो के रखा था, तो उसका पानी भी निकाल लेती हूँ, तो वो उसमें ऐड कर दूँगी। तो गोलगप्पे हमारे रेडी हैं, तो ये जब तक मैं इसे सर्व करूँगी तो ये लोग गोलगप्पे वगैरह खाएंगे, फिर इसके बाद मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी थोड़ी देर में। मैंने घोल के बेसन रख दिया, लेकिन पकौड़ियाँ थोड़ी देर में ही बनाएंगे, क्योंकि आज डिनर में सब पकौड़ियाँ वगैरह ही खाएंगे, और चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो आज हमारा लंच, सॉरी आज हमारा डिनर यही सब है, चटकारेदार चीज़ें। किस किस को ये सब पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल है हड़तालिका तीज, तो मेरा और मम्मी का फास्ट रहेगा, वो भी निर्जला फास्ट रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा, पानी वगैरह कुछ नहीं पीना, वो भी परसों, मतलब कल भी नहीं परसों सुबह तक, जब तक हम मूर्ति को विसर्जन नहीं करवा देते तब तक जो है पानी हमें नहीं पीना होता है, तब तक मेरा फास्ट रहता है। तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे इसीलिए आज हम चटकारेदार चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा खाने में अच्छा लगे और टेस्ट आए, थोड़ा अच्छे से खा पाएँ, क्योंकि रोटी वगैरह भी बोर हो जाते खाते खाते, इसलिए सबने सोचा चलो आज अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। तो बस वही जो आपके बनाया वो आपके साथ शेयर किया। किस किस को पसंद आया ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, भूलिएगा मत बिल्कुल भी।